रियलमी सी वन अगर आप लेना चाहते हो, और अपने रियलमी सी वन में अगर आप पबजी खेलना चाहते हो, पबजी खेलने के लिए लेना चाहते हो, एक बजट डिवाइस है, क्या आप खेल पाओगे? ऐसा कुछ अगर डाउट है आपके मन में तो आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए। और एक्सट्रीम सेटिंग्स में खेल पाओगे कि नहीं, मतलब हाईएस्ट सेटिंग्स में, वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। और ये रियलमी सी वन ही है, आपको लग रहा होगा कि ये स्टॉक लुक है, ये रियलमी सी वन छोड़ के कुछ और होगा, बहुत ही ईजी है इस तरह का स्टॉक लुक पाना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कैसे पाना है इस तरह का स्टॉक लुक, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और अगर आपको इस तरह का जो है पिक्सल लुक या स्टॉक लुक, स्टॉक एंड्रॉयड जैसा लुक पाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है हाई सेटिंग्स में आप कौन से सेटिंग्स में जो है पबजी चलता है। रियलमी सी वन में 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन का मिल जाता है, और जो जीपीयू है वो एड्रीनो 506 है, तो केपेबल है क्योंकि 450 एक नया प्रोसेसर है, 14 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो ये पबजी चला सकता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़े बहुत लैग्स, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा जो है लैग देखने के लिए मिलता है, पर मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा यहाँ पर क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा जो है लैग एक्सपीरियंस नहीं किया है गेम प्ले में। तो अब जाके सेटिंग्स में हम लोग पहले देख लेंगे कि आप कौन से सेटिंग्स में खेल सकते हो, एक्सट्रीम सेटिंग्स में, हाई सेटिंग्स में, कौन से सेटिंग्स में रियलमी सी वन में चलता है, और देख के आप जो है सरप्राइज ज़रूर हो गए, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। कि जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग स्मूथ में है, और स्मूथ के साथ आप जो फ्रेम रेट्स है वो हाई में रख के आप खेल सकते हो। मतलब मेरे रेडमी नोट 5 प्रो में भी मुझे स्मूथ के साथ हाईएस्ट फ्रेम रेट का जो है ऑप्शन नहीं मिलता है, और बहुत जो है सरप्राइजिंग बात है कि रियलमी सी वन में आपको ये देखने के लिए मिलता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने स्मूथ के साथ लो या मीडियम रख के मैं खेला हूँ फ्रेम रेट्स, तब मुझे ज़्यादा लैग देखने के लिए मिला है, पर स्मूथ के साथ अगर हाईएस्ट फ्रेम रेट्स में आप खेलते हो तो आपको जो है इतना लैग देखने के लिए नहीं मिलता है, और वो बहुत ही जो है सरप्राइजिंग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पबजी खेल रहे हो रियलमी सी वन में तो स्मूथ सेटिंग्स के साथ एकदम हाईएस्ट फ्रेम रेट में खेलिए, और जो कलरफुल में अगर आप खेलोगे तो आपको जो है थोड़ा यहाँ पर आसानी होगी क्योंकि जब कोई आ जाता है सामने से, अगर वो कलरफुल ये में अगर आप खेलो आर्किटेक्चर में आप खेलोगे तो आपको जो है एनिमी को पहचानने में आपको मतलब ईजी होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रेम रेट्स में हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पर, और आप देखोगे कि यहाँ पर लैग थोड़ा बहुत पहले जब एकदम सब प्लेयर्स ऐड होने शुरू होते हैं, वो किसी भी मोबाइल में थोड़ा बहुत लैग आपको देखने के लिए मिलता है। जब इतने सारे प्लेयर्स ऐड होते हैं, 100 प्लेयर्स ऐड होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो लैग देखने के लिए मिलता है। मैंने यहाँ पर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करा है, लैग तो यहाँ पर है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है चिकन डिनर भी लिया है इस हाईस्ट फ्रेम रेट सेटिंग्स में खेल के। रियलमी सी वन में मैंने एक चिकन डिनर मिला है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लास्ट में जाके जो अगर आपको ये अगर थोड़ा बहुत ये लैग करता है तो आपको बहुत दिक्कत होता है कि लास्ट में अगर एकदम लास्ट 5 में या लास्ट 10 में जाते हो तब आपको थोड़ा एकदम स्नैपी, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है चिकन डिनर के लिए ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पर अब दो बंदे लगभग मैंने यहाँ पर मार दिए हैं, और पूरा गेम प्ले यहाँ पर दिखाना जो पॉसिबल नहीं है, 30 मिनट का गेम प्ले होता है, आप इतना देखोगे भी नहीं। मैंने जहाँ जहाँ बंदे मारे हैं वहाँ पर इस फुटेज को काट के मैंने यहाँ पर बिठाया, ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड है वीडियो। आप लैग यहाँ पर थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा लैग नहीं है, आप प्लेएबल है, आप पबजी खेल सकते हो रियलमी सी वन में, अगर आप लेना चाहते हो आप खेल सकते हो। पबजी लेने के बाद भी, बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद भी आपके इंटरनल स्टोरेज में लगभग 3.5 से 4 GB तक आपको मेमोरी फ्री मिल जाएगी। पबजी लगभग आपको घेर लेती है 1.7 GB, 1.8 तक आपको स्पेस घेर लेती है। तो अगर आप पबजी खेलोगे रियलमी सी वन में तो आपको पबजी इंस्टॉल करके भी, बहुत सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद भी आपको 3.5 से 4 GB है जो फ्री मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 बंदे मार दिए हैं, और आखिर में मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। लगभग लास्ट 20 या 23 तक मैं पहुँचा था। एक बार मैंने जैसे कहा कि चिकन डिनर मुझे मिला है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक कर सकते हो, और जैसे कि मैंने कहा आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन की वीडियो मिलने वाली है। स्टॉक एंड्रॉयड लुक कैसे आप पिक्सल लुक कैसे अपने डिवाइस को दे सकते हो वो भी मैं आपको आगे वीडियो बना के बता दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।